इंटीग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर बाई में रूट अंडर एक्स माइनस वन डी एक्स दिया है। चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं एक्स माइनस वन को टी, है ना। तो यहाँ से देखो तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी प्लस का वन हो जाएगा। इसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर वन और इधर हो जाएगा डी टी और बाई में डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी के। अब इसके बाद देखिए इंटीग्रल ऑफ एक्स की जगह हो जाएगा टी प्लस वन का स्क्वायर, इसकी जगह हमें टी पुट करना है और एक्स माइनस वन को हमने टी माना है ना जी, और पावर में वन बाई टू लग जाएगा यहाँ पे डी टी। चलिए ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर प्लस का टू टी प्लस वन और बाई में है टी का पावर वन बाई टू डी टी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, डिवाइड होगा टी का पावर कितना आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा थ्री बाई टू प्लस टी टू टी का पावर वन बाई टू और प्लस में टी का पावर माइनस वन बाई टू डी टी। अब यहाँ से आसानी से इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा जी टी का पावर फाइव बाई टू बाई फाइव बाई टू प्लस टू टी का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू और प्लस टी का पावर वन बाई टू और बाई में वन बाई टू और प्लस का सी। वापस अब यहाँ पे पलट देते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना टू बाई फाइव यहाँ टी का पावर कितना हो जाएगा जी आपका फाइव बाई टू, है ना जी। और फिर यहाँ पर प्लस का फोर बाई थ्री टी का पावर थ्री बाई टू और प्लस का टू रूट अंडर टी कर देते हैं और प्लस में सी, ठीक है। या रूट अंडर लगा कर टी का पावर वन बाई टू ही लिखते हैं, टी का पावर वन बाई टू लिख देते हैं, है ना जी, है ना, और प्लस में सी, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर टी का पावर वन बाई टू को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो अंदर देखिए क्या बचेगा, टू बाई फाइव टी का पावर यहाँ पर बच जाएगा टू प्लस का फोर बाई थ्री टी और प्लस का टू, यहाँ टी का पावर वन बाई टू निकल गया और प्लस में सी है। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, फिफ्टीन हो जाएगा, ठीक है ना जी। एलसीएम हो जाएगा फिफ्टीन, आ जाएगा आपका कितना सिक्स टी स्क्वायर प्लस का, इसमें से फाइव फाइव जाके मतलब ट्वेंटी टी और प्लस का इसमें आ जाएगा थर्टी और टी का पावर वन बाई टू यानी रूट टी और प्लस में सी। ऊपर से देखो यहाँ से क्या कॉमन है, ऊपर से कॉमन है टू और नीचे आपका फिफ्टीन है, तो बच जाएगा यहाँ पर टी का स्क्वायर और सॉरी थ्री टी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का टेन टी और प्लस का फिफ्टीन और रूट अंडर टी और प्लस में आपका सी, है ना जी। यहाँ वापस से टी का वैल्यू रखते थे, टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू आपका ऊपर था, देख लेते एक बार, टी का वैल्यू हमने लिए हुए एक्स, टी किसके इक्वल है एक्स माइनस वन के, चलिए रख देते हैं एक्स माइनस वन, तो हो जाएगा टू बाई फिफ्टीन ब्रैकेट के अंदर थ्री रूट अंडर एक्स माइनस वन स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में टेन इंटू में एक्स माइनस वन रूट अंडर होगा, ठीक है ना। टी का वैल्यू अच्छा एक्स माइनस वन ही लिया है ना, नहीं रूट अंडर एक्स माइनस वन नहीं है, सिर्फ एक्स माइनस वन हमने लिया है, ठीक है वैल्यू एक्स माइनस वन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस वन रख दिया, यहाँ भी एक्स माइनस वन रख दिया और प्लस का फिर फिफ्टीन फिर इंटू में रूट अंडर एक्स माइनस वन और प्लस में सी। चलिए अब इसे अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, टू बाई फिफ्टीन अंदर देखिए थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन और प्लस का यहाँ टेन एक्स माइनस का टेन प्लस का फिफ्टीन और रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं, टू बाई फिफ्टीन अंदर हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स और प्लस का थ्री प्लस का टेन एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस का फाइव, ठीक है ना जी, और रूट अंडर एक्स माइनस वन और प्लस में सी। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से टू बाई फिफ्टीन अंदर हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स और प्लस का एट इंटू रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस सी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।